हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी, दिस इज विशाल द वे। और हम जो मंडली है, जिग्नेश भाई और यहाँ पर जयजीत भाई, हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। जयजीत भाई, क्या खाना पसंद करोगे? मुझे समोसे और कचौरी खानी है। बताओ, कुछ पीना नहीं है? वैसे हम तो चाय के लिए मरते हैं सबसे ज्यादा। हम भी चाय चाय ओके। और ये भाई से पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये भाई तो परमानेंट चाय के आदि। हाँ, ठीक है। हाँ, तो आदि से याद आया, आदि स्विट्जरलैंड में आया। कहाँ कब रहा है आदि? 20 दिन बाद बोला। आदि स्विट्जरलैंड से जैसे ही आएगा, वैसे ही टीवीडी पॉडकास्ट पे आदि के साथ एक पॉडकास्ट जरूर आएगा, जहाँ पर वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि स्विट्जरलैंड में पढ़ाई होती कैसे है, और अगर आप लोगों को स्विट्जरलैंड जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। वो पढ़ाई कर रहा है, घूम तो रहा है। लेकिन ठीक है, अपन उनके साथ एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे, ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि यूरोपियन कंट्रीज में कैसे काम चलता है, और मुझे भी पता चले। भाई मुझे भी नहीं पता। हाँ, फिलहाल तो अपन चलते हैं चाय पीने के लिए। भाई साहब, अभी हम बॉयज ने पी है चाय, और अब जा रहे हैं हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए। ये देखो, गोली भाई के टी शर्ट के पीछे क्या लिखा हुआ है, गोलिन HO 46। क्या बात है, 46 लिखा हुआ है, इनका फेवरेट नंबर है, क्योंकि 46 इज अ नंबर ऑफ वेलेंटिनो रोजी। तो जितने वेलेंटिनो रोजी फैन है, नीचे कमेंट करो भाई साहब, ठीक है। जिग्नेश भाई के भी फेवरेट है और गोरी भाई के भी फेवरेट है वेलेंटिनो रोजी। फिलहाल हम जा रहे हैं दाल वड़े वगैरह खाने के लिए, चाय हमने पी ली बॉस। और आज तो भैया जन्माष्टमी का पावन पर्व है, तो आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण। अपने ब्लॉग में हमेशा मैं जय श्री कृष्ण बोलता हूँ और कृष्ण भगवान को याद करता हूँ। कृष्णा के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो करता हूँ भाई। हम वही करेंगे जो राहुल ने तय किया, एक साल बाद रितु की पढ़ाई खत्म होते ही हम इन दोनों की शादी करा देंगे। भाई तो खाना पीना खा के पिक्चर इस तरह देख के हम आए हैं गार्डन में, और ये दोनों जो है वो लगे पड़े हैं कराटे करने में। देख रहे हो, मतलब एक दूसरे को बताया जा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उस हिसाब से काम किया जा रहा है। ये देखो, एक NCC वाला और एक कराटे ब्राउन बेल्ट, दोनों के तरफ लगे हुए हैं। NCC और कराटे ब्राउन बेल्ट के बीच में आप युद्ध देख रहे हैं। ये देखो अभी क्या होगा, ये अरे बाप रे, ये देखो सही है भाई। अरे अरे अरे, और ऊपर भाई, बॉडी में संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी आ नहीं पा रहा है। संतुलन की आवश्यकता। ये ब्राउन बेल्ट कब मारेगा यार, ये तो NCC वाला मारे जा रहा। आंटी अंकल लोग देख रहे हैं, वो अलग वायुस निकलते हुए देख रहे हो, खतरनाक। इसका डोज देखे, क्या कर रहे हैं दादा? ये देख रहे हो, ब्राउन बेल्ट के अंदर का कुंफू जागा। और हम इधर बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन छोड़ के हम इन दोनों के दर्शन कर रहे हैं। और कुछ I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. अरे भाई लोग, सच सच बताना, तुम लोग जो अभी लगे पड़े थे दोनों को एक दूसरे को किक मारने के चक्कर में, जीता कौन उसमें? कोई नहीं, हम सिर्फ डेमो दे रहे थे। डेमो दे रहे थे? बताओ, डेमो दे रहे थे, जीता कौन? जयजीत भाई प्रैक्टिस कर रहे थे भाई, कोई नहीं जीता। अरे मार्शल आर्ट जीता है, तो ये भी तो NCC का है। दोनों इज इन टाइकोंडो है, एंड यू आर इन इज इन टाइकोंडो फाइटर, एंड आई एम अ कराटे फाइटर। इन सब चीज़ों की बात हो रही है भाई, अपने भेजे से परे हैं सब चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं। हम अभी चल रहे हैं गार्डन में, गार्डन के पास है तालाब, तालाब के बाजू की एक छोटी सी पट्टीदार गली में हम सब चल रहे हैं, और यहाँ से पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर घूम करके स्टूडियो के लिए, ठीक है। हाँ, पहले घर जाएंगे, सामान लेंगे, फिर स्टूडियो जाएंगे। आज हमने ढोल देखी बाहर, ढोल फिल्म देखी, मज़ा आ गया, कि मैंने और जयजीत भाई ने देखी हुई थी, इसने देखी थी, देखी हुई थी। अच्छा, मैंने ही नहीं देखी हुई थी। मस्त पिक्चर है, मजेदार, एंटरटेनिंग है। और कॉल आ गया भाई साहब का, एक गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, क्या बात है भाई। सबकी गर्लफ्रेंड है, एक मेरी नहीं है, समझ रहे।
और मेरी भी नहीं। जयजीत भाई को जरूरत भी नहीं है, जयजीत भाई के पास बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है और गर्लफ्रेंड भी नहीं है, ठीक है भाई कुछ कर दो। भाई साहब अभी तक मैं जिग्नेश भाई के रूम पे था, ठीक है, तो आज की रात हमने जिग्नेश भाई के रूम पे बिताई है और अब जा रहा हूँ मैं स्टूडियो के लिए, क्योंकि आज हमारी डेडलाइन है, आज की आज अपन को कैसे भी करके एडिट करना है और कल हमारा पॉडकास्ट जो है वो लाइव हो जाएगा स्पॉटिफाई पे भी और यूट्यूब पे भी, ठीक है, तो वो काम अपन को सबसे पहले करने का है। इसके अलावा दो पॉडकास्ट और आ चुके हैं जो कि आप सभी लोग देख सकते हो जा करके, लेकिन ये वाला पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर हम थोड़ी सी भूतिया बातें करने वाले हैं और जो हॉरर इवेंट्स हैं, रियल हॉरर इवेंट्स, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वो मैं एडिट करने के लिए अभी जा रहा हूँ, एडिट करते हैं और फिर वो जो पॉडकास्ट है वो कल आ जाएगा, ठीक है। शायद आप लोग देख रहे हो तब तो आई जाएगा।